नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मथुरा छपरा सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन के बारे में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है मथुरा से छपरा बिहार तक चलने वाली मथुरा छपरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के बारे में। इसका ट्रेन नंबर है 22532। मथुरा जंक्शन से ये हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ये छपरा जंक्शन बिहार के लिए रवाना होती है। और मथुरा से छपरा की जो दूरी है ये 16 घंटे 5 मिनट में कवर करती है। और इसके तकरीबन 23 स्टेशन हैं, 878 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 55 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ये सुपर फास्ट टाइप की ट्रेन है और आपकी टिकट में सुपर फास्ट चार्ज साथ में जोड़ा जाएगा। और इसे नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे डिवीज़न जो है ऑपरेट करता है। आगे हम बात करेंगे मथुरा से छपरा तक चलने वाली मथुरा छपरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टिकट किराए के बारे में। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, इसके टिकट किराए को डिस्कस कर लेते हैं। मथुरा छपरा सुपर फास्ट एक्सप्रेस में सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास, जनरल क्लास के डिब्बे हैं। और मैं जो अभी आपको किराया बताऊंगा वो कोचेस वाइज मथुरा से छपरा तक का होगा। बाकी आप अपडेटेड और सही किराया जो है रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कन्फर्म कर लें। मथुरा छपरा एक्सप्रेस में सेकंड एसी के कोच का जो मथुरा से छपरा तक का जो टोटल किराया है वो है 1760 रुपये, जिसमें बेस फेयर है 1581 रुपये, रिजर्वेशन चार्ज है 50 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज है 45 रुपये और GST चार्ज जो है 84 रुपये। टोटल किराया जो है वो 1760 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में थर्ड एसी के कोच भी हैं। थर्ड एसी का जो मथुरा से छपरा तक का जो टोटल किराया है वो है 1245 रुपये, जिसमें 1110 रुपये तो बेस फेयर है, रिजर्वेशन चार्ज 40 रुपये है, सुपर फास्ट चार्ज 45 रुपये है और GST चार्ज जो है वो 60 रुपये है। टोटल किराया इसका 1245 रुपये बनता है। इसके अलावा इस ट्रेन में स्लीपर क्लास के कोच भी हैं। स्लीपर क्लास का जो मथुरा से छपरा तक का जो टोटल किराया है वो है 475 रुपये, जिसमें बेस फेयर है 425 रुपये, इसमें कोई GST चार्ज नहीं जोड़ा जाता, रिजर्वेशन चार्ज है 20 रुपये, सुपर फास्ट चार्ज है 30 रुपये। टोटल किराया जो इसका बनता है वो है 475 रुपये। इसके अलावा इस ट्रेन में जनरल एंड रिजर्व डिब्बे भी हैं। जनरल एंड रिजर्व डिब्बों का जो मथुरा से छपरा तक का जो टोटल किराया है वो है 270 रुपये के करीब। ये जो मैंने अभी आपको किराया बताया, ध्यान रखें ये अपडेटेड और सही किराया नहीं है। आप अपडेटेड और सही किराया जानने के लिए रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाकर जरूर कंफर्म कर ले, वहां से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं मथुरा से छपरा तक चलने वाली मथुरा छपरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। मथुरा छपरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस का जो ट्रेन नंबर है वो है 22532। मथुरा जंक्शन उत्तर प्रदेश से ये हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को रात को 11:50 पे 7 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और ये 16 घंटे 5 मिनट में अपनी जर्नी जो है कवर कर लेती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है अपने दूसरे स्टेशन हाथरस सिटी में रात के 12:32 पे पहुंचती है और 12:34 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद मथुरा छपरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है कासगंज जंक्शन में पहुंचती है रात के 1:30 पे और 1:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। कैमगंज में ये ट्रेन जो है रात के 2:32 पे पहुंचती है और 2:35 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 183 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। कैमगंज का जो स्टेशन कोड है KMJ। इसके बाद ये ट्रेन जो है फरुखाबाद जंक्शन में रात के 3:10 पे पहुंचती है और 3:15 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है। यहां पर मथुरा छपरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती है और 211 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। फरुखाबाद जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है FBD। इसके बाद फतेहगढ़ स्टेशन में रात के 3:29 पे पहुंचती है और 3:30 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 217 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। फतेहगढ़ के बाद ये ट्रेन जो है कन्नौज स्टेशन में पहुंचती है 4:13 पे और 4:16 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 272 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। कन्नौज के बाद ये ट्रेन जो है कानपुर अनवरगंज में पहुंचती है 5:32 पे और 5:45 पे वहां से रवाना हो जाती है। 3 मिनट का स्टॉप है। कानपुर सेंट्रल में 5:55 पे पहुंचती है और 6 बजे वहां से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है।
इसके बाद ये लखनऊ ऐशबाग में पहुंचती है सुबह 7:22 पे, और 7:32 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आगे ट्रेन जो है रुकती है और 425 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसके बाद यह ट्रेन जो है बादशाह नगर लखनऊ में सुबह 7:53 पे पहुंचती है और 7:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 432 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मथुरा से छपरा तक चलने वाली मथुरा छपरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो बाराबंकी जंक्शन में पहुंचती है सुबह 8:36 पे और 8:38 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। बाराबंकी जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है गोंडा जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुंचती है सुबह 9:50 पे और 10:10 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 20 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 545 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है GD। इसके बाद मनकापुर जंक्शन में ट्रेन जो है सुबह 10:34 पे पहुंचती है और 10:36 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, गोरखपुर मुंबई अंत्योदय एक्सप्रेस के साथ यहां पर इसकी क्रॉसिंग होती है और मनकापुर जंक्शन में ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके रुकती और 575 किलोमीटर की दूरी जो है कवर कर चुकी होती है। मस्कनवा स्टेशन में ट्रेन जो है सुबह 10:48 पे पहुंचती है और 10:50 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 587 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। मस्कनवा स्टेशन का जो स्टेशन कोड है वो है MSW। इसके बाद ये ट्रेन जो है बस्ती स्टेशन में पहुंचती है, बस्ती उत्तर प्रदेश में ये सुबह 11:37 पे पहुंचती है और 11:40 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 3 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और यहां पर दरभंगा जलंधर अंत्योदय एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। खलीलाबाद स्टेशन में ये ट्रेन जो है रात के 12:02 पे पहुंचती है और 12:04 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 664 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। गोरखपुर बस्ती इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन जो है यहां पर इसको क्रॉस करती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है गोरखपुर जंक्शन में पहुंचती है दोपहर के 12:55 पे और 1:05 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, यहां पर मुजफ्फरपुर बांद्रा टर्मिनस अवध एक्सप्रेस जो है वो क्रॉस करती है। 2 या 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। छपरा से गोरखपुर तक की जो दूरी है 701 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। देवरिया सदर उत्तर प्रदेश का जो इस ट्रेन का 19वां स्टेशन है, यहां पर दोपहर के 1:46 पे पहुंचती है और 1:48 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 746 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। भटनी जंक्शन में ट्रेन जो है दोपहर के 2:09 पे पहुंचती है और 2:11 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 2 मिनट का स्टॉप है, 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 771 किलोमीटर की दूरी जो है यहां तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के आखिरी स्टेशन भाटपर रानी में पहुंचती है दोपहर के 2:20 पे और 2:21 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 1 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। भाटपर रानी का जो स्टेशन कोड है वो है BHTR और यहां पर ये ट्रेन जो है बिहार संपर्क क्रांति के एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है और 784 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। सिवान जंक्शन जो कि बिहार का पहला स्टेशन है, यहां पर दोपहर के 2:50 पे पहुंचती है और 2:55 पे वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है और 820 किलोमीटर के करीब जो है यात्रा अपनी कवर कर चुकी होती है। सिवान जंक्शन का जो स्टेशन कोड है वो है SV और यहां पर बाघ एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद मथुरा छपरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो है वो अपने आखिरी स्टेशन छपरा जंक्शन बिहार में दोपहर के 3:55 पे पहुंचती है और 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक की जो टोटल जर्नी है ये 881 किलोमीटर के करीब जो है ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ मथुरा से छपरा तक चलने वाली मथुरा छपरा सुपरफास्ट एक्सप्रेस की वीडियो जो है समाप्त होती है, जो कि हफ्ते में 3 दिन चलती है। दोस्तों इसी के साथ ये ट्रेन की वीडियो जो है समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की और वीडियोस बनाता रहूं तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई फेवरेट ट्रेन पे मैं वीडियो बनाऊं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और साथ में अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो।